హలో ఎవ్రీవన్, ప్రస్తుతం మనము మధ్యప్రదేశ్లో ఉన్నాము. సత్నా జిల్లాలో నేనున్నాను. నాగ్పూర్ నుంచి, మహారాష్ట్ర నుంచి మధ్యప్రదేశ్కి వచ్చాము. మధ్యప్రదేశ్లో హైవే నుంచి మేము ఉత్తరప్రదేశ్కి వెళ్ళే ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. మధ్యలో సత్నా అనే ఒక జిల్లాలో ఆగాము. ఇక్కడ మయర్ బైపాస్ దగ్గర ఉన్నాము. ఇక్కడ ఒక హోటల్లో స్టే చేస్తున్నాము. సో ఇక్కడ నేను ఒక వ్యక్తిని మీకు పరిచయం చేస్తాను. ఆయన పేరు ఆదర్శ్. ఆయన ఈ స్థానికుడు, ఇక్కడున్న లోకల్ మనిషి అన్నమాట. సో మయ్యాక, సో ఇక్కడ ఆయన ఆయనకు డిఫరెంట్ అభిప్రాయం ఉంది, అది మీ ముందుంచి ప్రయత్నం చేస్తాను. సో ఆదర్శ్ భాయ్ నమస్తే. నమస్తే సార్ ఆదర్శ్ జీ. సత్నా జిల్లా మే మూడ్ క్యా అభి తో హమ్ లోగ్ హైదరాబాద్ సే నికల్ పడే హై, జీ జీ, పూరా దేశ్ మే ఘూమ్ రహే జీ, మూడ్ ఆఫ్ ద నేషన్ బతా రహే జీ. ఆప్ ఇధర్ కా స్థానిక హై నా, యే లోకల్ హై నా, లోకల్ ఆప్కా ఇరాదా క్యా హై? బదలావ్. బదలావ్? సాంసద్ హటానా, జిల్లా బచానా. सांसद हटाना, जिला बचाना. अच्छा, सांसद को सांसद के लिए बदलाव आप सोच रहे हैं, लेकिन मोदी का नहीं? नहीं, दिल्ली में नहीं, दिल्ली में मोदी रहना चाहिए. मोदी रहना चाहिए दिल्ली में, मोदी. और इधर तो इधर इधर अगर वो कैंडिडेट बदल के, जैसे विधानसभा चुनाव हारे उनके एमपी साहब, अगर उम्मीदवार बदल के लाते तो हम लोग भाजपा को वोट करते. हारे विधानसभा हारे हुए कैंडिडेट को आप लोकसभा लड़ा रहे, क्या क्लू है? नाम क्या है उनका? सांसद गणेश सिंह जी. पिछले चार बार से सांसद है. चार बार से संसद है? अच्छा, फिर क्या है, क्यों क्यों उसको उठाना चाहते हैं आप? बस रीवा से कैंपिजन करते हैं. सतना, पहले सतना रीवा से बहुत आगे हुआ करता था. अच्छा, आज अपोजिट है. आज रीवा बहुत आगे चला गया और सतना विकास की उपेक्षाओं का शिकार है. हाँ, विकास उन्होंने रीवा और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है ना. हाँ, रीवा और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है. सतना, सतना अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी है. रीवा बहुत बड़ा, उधर उधर डेवलपमेंट अच्छा है, लेकिन इधर नहीं है. पहले उल्टा था, पहले सतना ज्यादा अच्छा था. अच्छा, सतना बहुत पहले ज्यादा. हाँ, अच्छा था. ये 20 सालों में सतना को खोखला कर दिया गया. आप शहर की किसी भी जमीन को देखेंगे, ओके, उनमें व्यक्तिगत सांसद जी का, ओके, उनके रिश्तेदारों का, जात समुदाय के लोगों का अवैध कब्जा. अच्छा जी, फिर या मैं एक पूछ एक प्रश्न पूछता हूँ आपको. जी, उधर मोदी आपकी बार 400 पार बोल रहे हैं. जी नहीं, आपका वोट ये सांसद के लिए नहीं, आपके वोट मुझे मिलेगा, ऐसा बोल रहे हैं. लेकिन मोदी, आपका अगर मोदी जी लड़ते सतना से चुनाव तो हम मोदी जी को वोट देते. मोदी जी ने जिस आदमी को बैठाया माध्यम बना के, वो यहाँ काम ही नहीं कर पा रहे. ओके, एमपी वो व्यक्तिगत अपना काम कर रहे हैं. अच्छा अच्छा, बदलाव, पूरा नेशन वाइड बदलाव आप नहीं चाहते? राहुल गांधी से? राहुल गांधी को नहीं चाहते. क्यों? डिसीजन मेकर नहीं है. मोदी 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 है. क्या है मोदी का? उतना मोदी क्या नहीं. आपको उम्मीद थी आर्टिकल 370 खत्म होगा, तो मोदी जी ने किया किया ना. आपको उम्मीद थी कि राम मंदिर का फैसला आएगा, मोदी जी ने लाया. समाज में सनातनी आदमी है, पर यहाँ बदलाव जरूरी है. ओके, किसको वोट देना है इधर? यहाँ तो कांग्रेस और बहुजन. अच्छा, बहुजन. मध्य प्रदेश में कितने सीट मिलेगा इस बार बीजेपी के लिए और कांग्रेस के लिए? थोड़ा कम हो जाएगा बीजेपी? कम हो जाएगा? हाँ, बीजेपी कम हो जाएगा. 20-22 सीटें हैं. ओके, अच्छा, क्या आप बताना चाहते हैं पूरा देश के लिए, क्या बताना चाहते हैं? मीन दिल्ली में और किसी और एक और दूसरा सांसद? दिल्ली की तुलना सतना से नहीं कर सकते. सतना से नहीं कर सकते. अगर कोई दूसरा चेहरा होता, जिस तरह 20 साल से सांसद जी थे, अगर कोई और होता मोदी जी का कैंडिडेट, तो सतना को गर्त से फर्श में पहुंचा देता. पर ये और गर्त में चला गया, डूब गया सतना. सतना विकास के लिए आज उपेक्षित. एक हॉस्पिटल है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. आप मैहर चले जाइए, मैहर देख लीजिए. सतना लोकसभा के साथ विधानसभा में मैहर अपने आप में एक अलग उदाहरण है, क्योंकि वहाँ के विधायक ने अपने विधायक की बलि देकर मैहर को जिला बनवाया. ओके, मैहर में तीन कॉलेज हैं, तीन चार महीने मैहर का हॉस्पिटल 5-स्टार हॉस्पिटल है. ओके, तो राजनीति अगर करनी है तो मैहर के विधायक जैसे राजनीति करनी चाहिए. ओके, या अच्छा, ये मध्य प्रदेश में 3-4 महीने पहले विधानसभा चुनाव हो गए ना, टाइम पे बदलाव किया. हाँ, बदलाव, कांग्रेस को हटा के बीजेपी को लाया. बिल्कुल, और बहुत बहुमत से भी लेके आया. बहुत अच्छा सीट मिला. शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे, अभी दूसरों को लेकर आया. आप इधर गवर्नमेंट के बारे में क्या बताना चाहते हैं? आप स्टेट गवर्नमेंट के बारे में? स्टेट गवर्नमेंट बहुत शानदार. लाडली बहना ने एक तरफा वोट किया भाजपा को. लाडली शिवराज सिंह चौहान जी की देन, पर उनको भी बैठा दिया गया, चेहरा बदल दिया गया. करना किसी और का, करती किसी और की. ये जो 162 सीटें आई है मध्य प्रदेश में, ये शिवराज सिंह चौहान जी की देन. अच्छा, यहाँ कोई फैक्टर नहीं था, सिर्फ शिवराज फैक्टर था. अच्छा जी, ओके. और वो तो जनता के मामा है, हम लोगों के मामा है, वो हमारी माताओं के भाई. शिवराज सिंह चौहान जी, बिल्कुल. अच्छी बात, सुपर. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच आदर्श जी, थैंक्स अ लॉट सर. सो आपकी बार
अब की बार मोदी सरकार पर, सतना में अब की बार बहुजन सरकार। बहुजन सरकार, ओके चलो, थैंक यू वेरी मच। तो चूसर कदा आज చెప్పింది చాలా సింపుల్ గా నేను ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తాను। सतना కాన్స్టిట్యూయెన్సీకి సంబంధించి ఇక్కడ ఎవరైతే అభ్యర్థిస్తున్నారు గణేష్ సింగ్ అని, ఆయన చాలా ప్రాబ్లమాటిక్ అని చెప్తున్నారు। 20 సంవత్సరాల నుంచి ఆయన ఇక్కడ నుంచి ఎంపీగా ఎన్నికయ్యారు, కానీ ఈ నియోజకవర్గానికి మాత్రం ఆయన ఏం చేయలేదు అనేది ఒక సగటు స్థానికుడి అభిప్రాయం। బట్ ఆయన అడిగితే మళ్ళీ బదలావు ఇక్కడ ఎంపీ విషయంలో జరగాలి, అంటే మార్పు జరగాలి ఇక్కడ ఎంపీ విషయంలో, కానీ ఢిల్లీలో మాత్రం మోదీయే ఉండాలి, అక్కడ మాత్రం మోదీకి ఆల్టర్నేట్ లేదు అనేది అభిప్రాయం। నిజంగా స్థానికుల అభిప్రాయం ఇక్కడ ఎక్కడ పోయినా కూడా మోదీ 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 అంటున్నారు। క్యాండిడేట్స్ పైన లేకపోతే ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలపైన ఏదైనా వ్యతిరేకత ఉంటే మాత్రం అది రిప్రజెంట్ చేస్తుంది। అండ్ బీజేపీ సీట్ల విషయంలో దిస్ ఈస్ ద క్లియర్ ఇండికేషన్ మనకు సాత్నాలో కనబడుతుంది।